हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीरज नॉलेज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस फोन का लॉक कैसे तोड़ा जाता है। ये फोन है टेक्नो स्पार्क का फोन है, मतलब कि आपके पास टेक्नो का कोई सा भी मॉडल का फोन हो तो आप इसका लॉक आसानी से तोड़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लॉक दे रहे थे, क्या हो रहा है कि लॉक मतलब कि भूल चुका है लॉक, तो उसका लॉक तोड़ेंगे। और तोड़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो चलते हैं इसका फ़ोन का लॉक तोड़ लेते हैं। तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल को क्या करना होगा, आपको स्विच ऑफ करना होगा। तो स्विच ऑफ कैसे होता है वो आपको पता ही होगा। इस बटन को प्रेस करिएगा, पावर वाला बटन से, आपका फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। तो आप हम आपको करके दिखाते हैं। इस पर प्रेस करके रखिएगा, ठीक है, प्रेस करके मैंने रखा। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक पॉपअप खुल कर आया है, स्विप डाउन टू शट डाउन है, मतलब कि नीचे करेंगे तो शट डाउन हो जाएगा और इसे ऊपर की ओर करते हैं तो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे अभी करना है इसे स्विच ऑफ। तो स्विच ऑफ करने के लिए आपको क्या करना, नीचे करना होगा, जो शट डाउन होता है ना उसी से आपका फोन स्विच ऑफ भी हो जाता है। जैसे नीचे किया अब स्वैप कर दीजिएगा तो आपका फोन स्विच ऑफ हो जाएगा इस तरह से। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप जानने से पहले ये बटन को समझ लीजिए पहले, कैसे आपको कैसे करना है। ये बटन है आपका, दिखाई दे रहा ना, ये बटन है आपका पावर बटन, ये है वैल्यूम डाउन बटन, ये है वैल्यूम अप बटन ऊपर वाला। इससे क्या करते हैं कि आवाज आप बढ़ाते हैं, इससे आवाज कम करते हैं, इसे पावर ऑफ जैसे कि अभी किया था मैंने, उससे ये चीज होता है। आपको क्या करना है, ये वाली बटन और ये वाली बटन, एक काम करते हैं हम इसका टॉर्च ऑन कर देते ताकि आपको अच्छे तरह से दिखे। टॉर्च ऑन कैसे होगा जी, देख सकते हैं ये वाली बटन और ये वाली बटन, क्या करना आपको साथ में प्रेस करना है इस तरह से, देख सकते हैं इसको और इसको, यहाँ पे इस तरह से आपको दोनों एक साथ प्रेस करना है इस तरह से। और जब तक प्रेस करके रखना है जब तक कि टेक्नो का लोगो न आ जाता है, वो अब तक आपको प्रेस करके रखना होगा फोन को। आ गया, एक बार लोगो आएगा तो आपको ये वाला बटन को छोड़ देना है, उसके बाद वॉल्यूम जिससे आप आवाज़ बढ़ाते हो उसको नहीं छोड़ना है इस तरह से, ठीक, इस तरह से आपको रखना है। आपको कुछ देर के बाद इस तरह का आएगा, उसके बाद आपको यहाँ से आपको क्या करना है, छोड़ना है। जब ये इस तरह का आ जाएगा नो कमांड लिखकर, तब को क्या करना, ये बटन और ये बटन यानी कि पावर वाला बटन और वॉल्यूम अप बटन भी एक साथ आपको प्रेस करना है इस तरह से। जब इस तरह से प्रेस करिएगा तो इस तरह का खुल कर आएगा। तो देख सकते हैं अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे जाना है। नीचे कहाँ जाना है हम आपको बताते हैं, वाइप डाटा और फैक्ट्री रिसेट पर आपको जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद अब नीचे इससे लेके जाइएगा, वॉल्यूम डाउन बटन से नीचे चला जाएगा और वह प्रेस करना होगा तो इससे प्रेस करिएगा पावर बटन से। तभी क्या करना है, लॉक तोड़ रहे हैं तो यहाँ पे जाना है, वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट पे जाने के बाद इस बटन को प्रेस करिएगा। जब प्रेसर मतलब कि प्रेस करिएगा तो कैंसिल नहीं करना है, इससे क्या करना है वॉल्यूम डाउन बटन से नीचे लेके जाना है। जब नीचे लेकर जाइएगा तो फैक्ट्री डाटा रिसेट है जिस पर इस बटन से वह प्रेस करना है। जब प्रेस करिएगा तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ये लॉक टूट रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको करना होगा रिबूट सिस्टम नाउ, ठीक है, रिबूट सिस्टम नाउ कर लीजिए इस बटन से, करिएगा तो हो जाएगा इस तरह से। तो थोड़ा देर और वेट कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस भी हम आपको दिखाते हैं। तो बने रहिए अंत तक, वीडियो को स्किप न करें, न तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जब तक चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब आप लोग, आप लोगों के सामने इसका लॉक तोड़ के दिखाएंगे हम। देख सकते हैं, वेट करना पड़ेगा आपको। कुछ देर और रुकते हैं, उसके बाद पूरा लाइव प्रूफ हम आपको दिखा रहे हैं, कोई अभी
मैंने वीडियो के बीच में नहीं रोका हूँ, नहीं मैं इसमें एडिट किया हूँ। काम करते टॉर्च हम ऑफ कर देते हैं ताकि आपको दिखे अच्छा से। तो देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे ये फ़ोन रीसेट होकर आ चुका है, यानी कि फैक्ट्री रीसेट जो भी कही, यानी कि लॉक तोड़कर आ चुका है यहाँ पे। तो इस तरह का आएगा, उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। और स्टार्ट वाले पर क्लिक करिएगा तो आपको सेलेक्ट योर कंट्री को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। तो कंट्री को सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका कंट्री हो। तो खैर मेरा इंडिया है तो हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि वाईफाई को कनेक्ट कर लीजिए तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं सर्च, वाईफाई को ऑन करते हैं पहले, उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो खैर हम इसी फ़ोन से ऑन करते हैं, वीडियो को थोड़ा देर रुकना होगा मुझे। तो मैंने इस फ़ोन से क्या किया कि वाईफाई तो ऑन कर दिया, मतलब कि हॉटस्पॉट ऑन कर दिया हूँ। और इसमें देख सकता है कि आ गया रियलमी 9 प्रो 5G, ये कनेक्ट हो चुका है। और इसके बाद यहाँ से करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके आप कर सकते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यह आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट जो है इसको पढ़ के क्या कर सकते हैं, यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिएगा, यहाँ से नेक्स्ट। जब नेक्स्ट करिएगा तो आपको आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। तो खैर हम यहाँ से करते हैं डोंट कॉपी, ठीक है। आप भी यही करिएगा तो जल्दी हो जाएगा। उसके बाद चेकिंग इन्फो हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें थोड़ा 1-2 मिनट लग सकता है, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं या तब आप अपने गूगल अकाउंट अभी बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप स्किप कर देते हैं। स्किप यहाँ से इस तरह से कर दिए स्किप। उसके बाद जस्ट अ सेकेंड गूगल सर्विस देख सकते हैं, उसके बाद ऊपर की तरफ करेंगे, उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे यहाँ से। और उसके बाद इसको हम कर देते क्योंकि अगर इस पर सेलेक्ट करेंगे ना तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, तो मेरा नेट ख़त्म हो जाएगा, इसलिए करते हैं ओके। उसके बाद गेटिंग योर फोन रेडी देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद करते हैं यहाँ से स्किप एनीवे, मुझे नहीं लगाना है अभी, मेरा फ़ोन थोड़ी ना जो मैं लगाऊँगा यार। उसके बाद यहाँ से करते हैं स्टार्ट पे क्लिक करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब भैया तो कर लीजिए सब्सक्राइब। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ही करिएगा, साथ में हमारे चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं ये फ़ोन बिल्कुल रेडी हो चुका है, यानी कि उस समय लॉक मांग रहा था तो अभी देख सकते हैं खुश नहीं है, मतलब कि पूरा लॉक टूर कर आ चुका है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।